नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया स्कूल से। आज से मेरे सारे पेपर ख़त्म हो गए हैं। आज की वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ अब। और अभी हम और मम्मी खाना खा चुके हैं। अब मम्मी जाएंगी ऊपर धुलाई करने। मम्मी ओ मेरी पाली मम्मी, आज की बूझो मैंने शुरू करा है। हाँ अच्छा, अच्छी बात है। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो साहिल ने चालू किया, धीरे धीरे सीख रहा है साहिल भी। मेरी लिप ग्लॉस साहिल ने तोड़ दिया है तो उसी को सही कर रही हूँ। कभी सही हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, नई है पूरी तो दोस्तों निकलती नहीं, हाथ से लगाना पड़ता है। मैंने सोचा कि ये गोंद की तरीके है, गोंद की निकल भी जाती है, लग भी जाती है, वैसे मैंने ट्राई किया और निकली चली जाती है, बाहर निकल आती है। कभी कभी ना तो अंदर जाती है ना तो बाहर जाती है। मेरे फटे फटे लग रहे थे। फट गए तैयार तैयार फट गए। सुबह का सारा काम हो गया, साहिल स्कूल से आ गए पेपर दे के, फिर दोनों ने खाना खाया है। ठंडी लग रही है। बर्तन रखे हैं, साहिल बर्तन नहीं धुलूंगी, चलो पहले करूंगी मैं छत की धुलाई। दोस्तों हमारी छत बहुत गंदी हो गई है तो जा रही हूँ मैं छत धुलूंगी। कपड़े फैलाने जाओ ना, धोखे से कपड़े गिर गए तो इतनी धूल लग जाती है। ऐसी धूल है कि वो जल्दी छूटती भी नहीं है, खासकर सफ़ेद कपड़ों से। साहिल की स्कूल की ड्रेस है सफ़ेद, वो गिर गई थी। वा टी शर्ट तो बहुत मुश्किल से धूल छूटती, बनियान है वो गिर जाती हैं, बड़ी धूल ख़राब लग जाती है। बरसात सर्दियों की धूल पता नहीं कैसी है, छत में चिपक के रह जाती है। गर्मियों की धूल हवा में उड़ उड़ के कोनों में लग जाती है तो झाड़ू से झाड़ के, इसलिए वो छत में चिपक जाती है क्योंकि रात में गिरती है। ओस चिपक जाती है, चिपक जाती, काली काली धूल रहती है। दोस्तों फैलाया सूखे कपड़े भी, हवा चलती है गिर जाते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, सूखे सुखाए कपड़े धुलने पड़ते हैं। दोस्तों धूल काली नहीं होगी क्या, गोरी होगी। दोस्तों ये देखिए साहिल की टोपी की लगवा, ये इसे लगाया जाता है वाला टोपा। हाँ इसे लगाया जाता है। दोस्तों आज अपनी स्कूल वाले टोपे को ऐसा दूध में डुबाया था कि धुल रही थी, पूरा दूध है दूध निकल रहा। दोस्तों गरम करके दूध रखा था रानी की पीने के लिए, वो बेचारी इंतजार कर रही कि ठंडा हो जाए दूध पियूं। उसने उसके दूध में टोपा गिरा दिया, कटोरी भर दूध उसका टोपा पी गया, वो बेचारी बैठी इंतजार करती रही है कर रहे। बोलती दोस्तों की लाओ टोपी धुल दूं तुम्हारी, तो बोलता कि ब्लेजर की मैच की है, स्कूल में डांट पड़ेगी, धुलो ना संडे को धुलना। आज चुपचाप इस लड़के ने ये वाली टोपी लगाया और चल दिया। मैं कहा वो टोपी क्यों नहीं लगा रहे, हरी वाली तो कराओ मम्मी, जरा सा दूध लग गया उसमें तो धुल देना, मलाई नहीं छूट रही। मैं कहा हो सकता थोड़ी सी लगा, मैंने भी नहीं देखा कि रानी पिया है कि नहीं। और ढक्कन में छोटे छोटे ढक्कन है उसके खाने के, तो ढक्कन में ऐसा गिरा था कि वो लग रहा था जैसे उसने पिया हो दूध। मैं देखा मैं सोच पी गई है, जब उसको धुल रही थी टोपे को तो अरे दूध है दूध, दूध है दूध निकला, समझ में आ गया था कि रानी को दूध मिला नहीं पीने को, तुम्हारा टोपा पी गया। कैसे गिरा दिया था, मैं ब्लेजर उठा रहा था, ब्लेजर से कूद के उस पे गिर गया, सारा दूध उसका टोपे में पिला लिया था। एक बात बताऊं, पेपर खत्म हो गए तो कान में क्यों बता रहे हो। दोस्तों ये देखिए स्कूल से आने के बाद कैसे कपड़े फैलाता है। हाँ पसीना सूखता है, ऐसे सूखता है। हाँ? पसीना सूख जाता है तो कौन टांगता है। हाँ तुम तो टांगते है और रानी है, गिरा देती है सारे कपड़े नीचे, मैं उठा के पूरे हैंगर में टांगती हूँ, रोज फैला देता हूँ। दोस्तों ये हमारा पजामा पहन लेता हूँ, भाई ठंडी है। दोस्तों कल बिल्कुल धूप नहीं थी, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, जाकर छत धुलूंगी, धूप में बैठूंगी, ज्यादा तेज धूप नहीं लगेगी तो फिर आग जलाऊंगी, सर्दी बहुत लग रही है। गमला टूट गया आके मजा रही आओ, चलो साहिल जल्दी से, बहुत गंदी छत है, थोड़ी सी कल धुला था मैंने, पता है कुछ तुम। गमला टूट गया, कौन वाला। हाँ वो तो टूट गया बेचारा, रखाई थी। ये देखिए दोस्तों इतना पानी लेके ऊपर जाऊंगी, इतने से धुलूंगी और नहीं टंकी से निकालेंगे नहीं, क्योंकि टंकी में पानी नहीं चढ़ता है, समर से भी देखना। ये लुक्का का ना आ रहा है क्या, ये क्या ये फूल है।
टोपी नहीं लगाऊंगी दोस्तों मैं आज, क्योंकि मम्मी को ठंडी नहीं लगती, मम्मी इतनी स्टील लगती है, दुपट्टा लेके जाऊंगी, धूप है ना। ये आ गई महारानी ऊपर से, कहाँ जा रही, वहाँ चली ऊपर धूप में, आ जा तो दोस्त, ऊपर चढ़ाऊंगी पानी की, झाड़ू ले जाऊंगी, पेटल ले जाऊंगी, फिर नीचे। मम्मी एक और चीज मैंने यहाँ से बताया, मैं खेल रहा था तो मेरी सैंडल टूट गई, जुड़ाने जाना, पता ही पहले से थोड़ी निकल गई थी, क्यों बताया, कीचड़ में घुस गया था, पूरी टूट गई दोस्तों। कल मैं सो गई थी तो मेरी नाक में पता नहीं क्या क्या इसने इतने में कलर लगाया था, सो गई थी तो देख के हंस रहा था, पता नहीं क्या देख के हंस रहा, देख हंसी समय तो स्केच मेरी कान नाक में लगाया था, छूटे नहीं रहा। चलो ये ले बड़ा है ना, पानी भी है क्या, पानी नहीं पीएंगी, इसी से बुलाई कर लिया, चारों बाल्टी लेके जाओगी कि नीचे खाली हो जाए तो नीचे भरने आओगी, बुलाई कर लीजिए। हाँ नहीं ये इतने ऐसे धुलोगी जितनी धुल जाएगी उतनी धुल जाएंगे, देख दोस्तों मैं एक बाल्टी पानी से अधिक ज्यादा छत धो डालता हूँ। अच्छा हाँ। तुम ना धोना, मैं धोऊंगी, एक एक लेके चढ़ाऊंगी। मैं कौन सी चप्पल पहनूं, पापा इतने सुंदर सुंदर पेड़ है, देखो दोस्तों यहाँ पे फूल कितने सारे हो गए, बिल्कुल भी नहीं फूल रहे हैं, इनके सीजन होते हैं फूलने के, अरे सीजन नहीं धूप नहीं निकल रही ना तो देखो खिल नहीं रहे बिल्कुल, वो सड़ गए, आइए देखो ये खिल रहा है दोस्तों, ये भी आपको खिल रहा है, रेड रोज, मम्मी लाल गुलाब भी उग रहा है, भूख लगी तो मैं काला गुलाब बनाने की सोच रहा हूँ, हाँ बना लूंगा, इसको टाइट करो, ये भद्रकाली कल के कपड़े नहीं सूखे थे, बाकी कमरे में पड़े, उसके मार दिया मुंह में, वो मुंह पाए कहाँ है दोस्तों, सफाई शुरू हो गई, सफाई अभियान झाड़ू से शुरू हो गया है, हाँ सफाई अभियान झाड़ू, दोस्तों आप लोग भी झाड़ू को बोर दीजिएगा, हमारी मम्मी को जिताइएगा, नहीं तो फिर ऐसे हो जाओगी, देखो नहीं तो फिर ऐसी हो जाओगी, देखो ऐसे ना, चलो साफ करो जल्दी जल्दी, कितना कारा कारा थी, ये तो टट्टी है, ए? हाँ मैंने कल टट्टी किया था रानी के साथ बैठ के, हाँ मैं रानी ने हगाता ही, ये तो कितना काला काला टट्टी है, हाँ नहीं मैंने पादा था तो धूल निकली थी, क्या है मैं तो कौड़ा तापूंगा, मैं तो कौड़ा तापूंगा, रोटी बनाना बाजरे की जुंडी दोस्तों, अभी तक मम्मी झाड़ू से साफ कर रही थी, अब वाइपर से कर रही हूँ, मैं यहाँ पे तार इसे उठाए हूँ, कैसे निकल जा, तो निकल जा, फिर तो कहती हो ज्यादा टीवी देखता नहीं देखूंगा, हाँ आप ही तो कहती हो कि मैं कनेक्शन काट दूंगी, वो टीवी देखता है कट जाएगा, जान के थोड़ी काटना है, बस काट दूंगी किसी दिन, मैं सीधे कतार ही काट दूंगा, उससे मैं काटूंगी, उसके बाद दूसरी, अब अच्छी खासी मुंह में कट कर देता, पापा से डांटना, पापा कहेंगे ठीक काट दिया, हाँ क्या हुआ, पसीना निकलने लगा, आग जलाने को सोच रहे थे, ठंडी लगेगी तो आग जलाएंगे,
अच्छा धुलते धुलते पसीना निकाला है, स्वेटर उतारा, कुर्ता उतारे का परी का इनर रोपाई नू इनर पाई नू ना अंदर से सर्दी लग रही गर्मी लग रही। है दोस्तों ये वाला गुलाब खिल नहीं रहा था, मैंने इसको खोल दिया। मम्मी सुनो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू देता है। लो दोस्तों लोग आप भी सुनो, आहा आई ना कितनी अच्छी खुशबू। आपका फेवरेट फूल कौन था? गुलाब? मेरा बाल्टी ला, मेरा लोज। बाल्टी ला जल्दी से। मम्मी आप तो कह रहे थे कि ये इतना पानी पूरी छत को होगा नहीं, ये तो जरा सी छत बची पूरी धुल गई। मुझे लग रहा था कि वो दोस्तों इस वाले टोपे मैंने इसको इस टोपे को दूध पिलाया था, बहुत भूखा था बेचारा, पी चुका, कल फिर से पिलाऊंगा। मैं जमा रहा हूँ, मैं पानी को रोके रखूंगा। वाइपर से जल्दी जल्दी हो रहा है ना। वो पानी वहां ना जाना, तो इस साइड ले आओ वाला पानी, वहां ना लेके जाओ, इस साइड ले आओ। मम्मी अब कितनी अच्छी छत लग रही है ना, बढ़िया साफ, और अब कहीं पे भी बैठ सकते हैं, नहीं तो पहले कहीं पे भी नहीं बैठ पाते थे। बिन चटाई बिछाए बढ़िया बैठ सकते हैं, बिन चटाई बिछाए बढ़िया बैठ सकते हैं, बैठ सकते नहीं बैठ। हाँ मैं तो बैठूंगा ना, मैं सीधे लेट जाऊंगा, लेट जाऊंगा एक हफ्ते बाद, नहीं एक दिन बाद। हाँ फिर किसे किसे ले, एक बाल्टी पानी कम पड़ा है, टंकी से निकालनी पड़े ना। कितनी बची थी छत, काहे को इतनी कोने पे पड़ी है, जरा से हटो। दोस्तों मैंने पूरी छत की धुलाई कर दिया, देखिए कितनी साफ लग रही, बहुत गंदा निकला है, पूरी छत धुल गई। अब यहाँ पर साहिल लगा है, धुली धुलाई छत धुल रहा है, ये देखिए मेरी कमर कमरा हो गई, ये पानी साफ करे करे पूरी छत का वाइपर से झाड़ू से। अब देखिए क्या करने में लगा, अरे सब जगह ना करो, क्या कर रहा है, धुलाई, हाँ धुली धुलाई छत में धुलाई कर रहे। दोस्तों कल के कपड़े सूखे नहीं थे तो मम्मी आज फैला रहे। मम्मी आपको तो ठंडी लग रही थी, आग जलाओगी? दोस्तों मम्मी को भी गर्मी लगाई थी, मेरे को भी गर्मी लगाई थी, दोनों लोगों ने स्वेटर उतार के टांग दिया। आए? बिन चप्पल के आ जाऊं, बिन चप्पल के आ जाऊं छत में, मैं तो जलाऊंगा आग, शाम टाइम को जलाएंगे, अब तो धूप है ना इतनी तेज। अब चलो थोड़ी देर बैठते हैं, धूप में पैर गले हैं ना बहुत। मैं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ नीचे। चलेंगे थोड़ी देर बैठ लेते हैं नीचे, नीचे तो चलो फिर बैठने, अरे ऊपर बैठ लेते हैं थोड़ी देर, है ना। कल लुटर लुटर कर रही है, उसको करने चलो बैठ। मैं कल मेरा लील वाला लोअर धुल देना। तो मैं भी धुलूंगी, लोअर भी धुलूंगी। दोस्तों आज साहिल में नहाया नहीं था, मैं तो अब बैठ नहीं पाऊंगा, देखो मम्मी। हाँ। अब मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा, काला पहने हूँ ना, क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। छत धुल दिए हैं, आपका गंदा होगा। ये देखो ये मम्मी ने छत धुली है। हाँ
ये देखो धुली है ये कहीं छत, थोड़ा बहुत रहेगा, उतनी तो नहीं है जितनी थी, उतनी तो है, पैर देखे तो काले काले धूल से हो जाते थे। दोस्तों अभी तक मम्मी लेट वो बैठ के धूप लेती रही है, मम्मी लेट के धूप ले रही है, मैंने छत धुला है तो फायदा उठा रही है। कमर दर्द कर रही थी ना बैठी थी तो धुलती रही, कमर दर्द कर रही थी बैठी थी, लेट जाऊँ थोड़ी देर फेंकू कमर दर्द कर रही थी, मार दूंगी गिरा ना देना मेरे ऊपर जो लग जाए। तुम क्या कर रही हो मेरे सर के पास हा? लोटम लोटी इधर आ जाओ, इधर लेटो, ये ले घुस गई यार, धूप ले लिया तो मेरे लिए पानी ले आओ, नहाऊंगा नहाऊंगा हाँ, धूप लगी है ना तो नहाने का मन कर रहा है। मैं तो पहले बोली थी सुबह नहीं नहा गए थे चलना है ला दूं, तो तुम कह रहे थे मैं नहीं नहाऊंगा, नहाऊंगा ले आओ ले आओ, तुम यहीं पे रहो मैं दे क्या ला शैम्पू, दो दर्जन शैम्पू हाँ, अच्छे से बताओ हाँ, साबुन लाऊं कि शैम्पू, शैम्पू वो डब्बा वाला, रानी भी नहाएगी ठीक, दो बाल्टी लेके आना, दो बाल्टी छोटी बाल्टी ले आओ ना, दो बाल्टी लेके आना, बनेगा नहीं फिर एक बाल्टी में, मैं ना लाऊंगी ना, ठीक है जाओ। सो मैं पानी ले आई हूँ, मैं सुबह नहा के नहीं गया था तो अभी धूप लगी तो चक्कर आ रहा है, मम्मी मेरे को नहलाएंगी, मम्मी पता मैं कपड़े अपने सब उतारे बैठा था इतनी तेज गर्मी लगी, हाँ ये लूंगी नहलाई हूँ ऐसे 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 कर लूंगा, चलो आजा चलो ला, जितनी टाइम मुझे खाना खा रहे थे धूप नहीं थी तब बोल रही थी मैं ला रही ठंडी लग रही है, छत में धुलाई थी अरे तब बोली थी ला पानी ला तो ना ला दे, हाँ ठंडी लग रही नहीं ना आएगा धूप में बैठे बैठे लग रही गर्मी, अपने आप नहाएगा कि ना ला दे, अपने आप नहाऊंगा चलो नहा ला। क्या कर रहा है, नहाना हो तो अपने आप से नहाओ, नहीं नहला दूं, पानी गरम कर रहा हूँ काहे में धूप में हवा चल रही है तो वो ठंडा हो जाएगा, चलो मैं नहला देती हूँ अच्छे से, मैं अकेले नहाऊंगा, नहाओ चलो चलो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गरम गरम खौलते हुए पानी से नहीं नहाना चाहिए। अच्छा गला मलो हैं आई मजा सुबह का है, सप्लाई का पानी गरम आ रहा, नहा ले तो नहीं नहाना, हाँ बस डालो दोस्तों मैंने नहा लिया है, मम्मी जब मैंने पहला मग डाला ना पानी का ठंडे ठंडे जला गया बहुत तेजी, ऐसा लग रहा सांस मेरे हाथ में आ गई, हाँ अब मजा आ रही है, गर्म पानी से नहाओ ना बाद में सर्दी लगती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ बाद में सर्दी नहीं लगती। मम्मी दोस्तों अब मेरी मम्मी लगाएंगी क्रीम और तिल्लू, मम्मी हाथ पैरों में तेल और क्रीम मिक्स करके लगाना, फटता नहीं है देखो, मिक्स करके नहीं लगाएगा, पहले आप ही तो लगाती थी इसे, तेल नहीं है ग्लिसरीन की, चलो अच्छा मम्मी मैंने नहा लिया तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा, नहीं तो चक्कर आ रहे थे, आप सही है कह रही थी कि ना नहाओ तो उलझन हो रखती है, बोल रही थी कि नहा लो सुबह बोली थी धूप में बैठे रहे हो ना तब और चक्कर आ रहे थे, हाँ मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा टना टन कपड़े ले लो, चलो चले नीचे दोस्तों हम लोग आ गए नीचे, हमें नीचे आने से जाड़ा लग रहा है, धूप लग रही है, हाँ धूप नहीं गर्मी, अब रानी ना आएगी, पर इसको गीले कपड़े से तो पोछेंगी, लाओ
ऊपर नहीं लग रही, भूख लग रही है। नहाया, भूख लग रही है। हाँ खाना, खाना नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं बना लूँ क्या फ्रेंच फ्राइज, बना लूँ फिंगर चिप्स आलू? नए आलू माँ उनके नहीं अच्छे बनते, नए आलू, पुराने आलू पापा से शाम की मंगाऊंगी तो बना लेंगे। ठीक है, नए आलू के बनते हैं। ठीक पहन लूंगा दोस्तों, छत बन दिया, साइल को नहला दिया, सारे काम से फुर्सत हो गई। आज आज सबसे ज्यादा बैठे हैं दोस्त है ना, नहीं इतने दिन बैठे आने सब खुला छोड़े। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों मम्मी की शाम की चाय बनने लगी। मम्मी शाम के खाने में क्या बनाओगी? शाम के खाने में बनाऊंगी बैंगन का भरता। तुम बोल रहे थे टमाटर की सब्जी, टमाटर काट लिया, टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। चाय पक जाए, चाय पी लें, नमक पीस लूं, फिर बनाऊंगी सब्जी, फिर बनाऊंगी भरता। ज्यादा नहीं बनाऊंगी, पापा खाएंगे नहीं। दोस्तों शाम हो गई है, शाम का मेरा खाना बनना शुरू हो गया है। शायद सो गया था, अभी उठा सो के, चाय पक गई। दोस्तों पापा आ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ। अभी पापा क्या लाया, मम्मी अभी यहाँ पे पीसे चटनी, पापा यहाँ पे लाए मटर, कटहल और ये है पट्टी। ले मम्मी आपका नए साल का गिफ्ट। नए साल का गिफ्ट नहीं, कल दस रुपये भी लेके आए कि सब्जी लेना। मतलब आ करो एक बार में पिज्जा अंदर। पिस गया नमक मिर्चा। चोखा बाटी बना रही हो क्या? अच्छा ठीक है बनाओ। तो ये पट्टी रख दे रहा हूँ बाल्टी में, नहीं तो सिला जाएगी। और पापा ले आए दूध, और दूध पक गया है, आज मेरे को दूध नहीं लाना पड़ेगा। इसको रख देता हूँ, बाय बाय। बंद कर दिया, गुब्बारा भी फूल गया। दोस्तों मेरा सारा काम हो गया, शाम का खाना बन गया, खा लिया, बर्तन धुल गए। और जितनी देर में बर्तन धुलती रही हूँ, रानी खेलती रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए दोस्तों क्या किया है, साइल की चप्पल का फूल निकाल दिया है, एक तरफ का लगा है। दिखाती हूँ साहिल को कितना गुस्सा आएगा। साहिल पड़ा रहा है खाना खा के। ये देखो तुम्हारी चप्पल क्या कर दिया रानी। साहिल ये देखो तुम्हारी चप्पल क्या कर दिया रानी, एक तो फूल निकाल दिया। सफेद क्या लगा? सफेद सफेद लगा नहीं है, फूल निकाल दिया है तो सफेद दिख रहा है फूल के ऊपर से। देखो नई डिजाइन बना दी, नई डिजाइन बना दिया, खराब कर दी गरम चप्पल। तभी बोलती हूँ पहने रहा करो, चिपक जाएगा। ले चिपका देना। खाना खाने के लिए दोस्तों उतारा था आंगन में, खाना खाने के बाद आके पढ़ने लगा है। खाना खाने के बाद पढ़ने लगा, आंगन में रखी रही है, खेलती रही है। खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही थी, देखा था कि खेल रही है, ध्यान नहीं दिया कि नोच डालेगी फूल। अभी नोचे फूल और लिए खेल रही थी उछाल उछाल, तब देखी हूँ चिल्लाई तो बाहर भाग गई गेट में। बहुत दुष्ट है, छुपी बैठी हुई है बाहर गाड़ी के पीछे। दोस्तों खाना खाने के बाद बिट्टू के पापा फोन चला रहे हैं, और यहाँ पर साहिल खाना खाने के बाद पढ़ता रहा है। ये देखिए ऐसे कौन पढ़ता है, आंखों में कुछ दिख रहा है? टोपी ऐसे लगाए हो कि आंखें तक नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है तुमको किताब में? देखो अभी आप पेट में हाथ धरे हो। मतलब दिख रहा है, क्या है पढ़ रहे थे? साइंस। ठीक है पढ़ाई करो तुम। दोस्तों मैं वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो सर, गुड नाइट। गुड नाइट।